सियालकोट महकमा पुलिस से रिटायर होने वाले सब इंस्पेक्टर नसीर अहमद के एजाज में पूर्व वकार और सादा तकरीब का इनकार। डीपीओ मोहम्मद हसन इकबाल ने तहाइफ और यादगारी शील्ड दी और प्रोटोकॉल के साथ अलविदा किया। तफसीलात के मुताबिक महकमा पुलिस से रिटायर होने वाले सब इंस्पेक्टर नसीर अहमद के एजाज में सादा और पूर्व वकार तकरीब का इनकार किया गया। इस मौके पर डीपीओ सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल का कहना था कि महकमा पुलिस में आपकी खिदमत को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता और मेरी नज़र में आप लोग अब भी महकमा पुलिस का हिस्सा हैं, आपको हम कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि आपने महकमा पुलिस में बहुत वक्त गुजारा है और बावकार अंदाज में सर्विस मुकम्मल करके आज हमसे रुखसत हो रहे हैं और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप माशरे की फलाह बहबूद के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। इस मौके पर सब इंस्पेक्टर नसीर अहमद ने बताया कि फ़र्ज की अदायगी में जो वक़्त गुजरा है वो मेरे लिए कीमती असासा है जो हमेशा याद रहेगा। तकरीब में एसपी इन्वेस्टिगेशन गुलाम अब्बास, हेड ऑफ ब्रांचेस और दीगर स्टाफ ने शिरकत की। आखिर में रिटायर होने वाले सब इंस्पेक्टर नसीर अहमद की तवाज़ो भी की गई और तहाइफ और यादगारी शील्ड देते हुए प्रोटोकॉल के साथ खूबसूरत यादों से रवाना किया गया।